इटर्नल्स इतनी बड़ी मूवी होने के बाद भी हम फैन के दिल के अंदर एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। चलो उसके बारे में बात करते हैं। एंड गेम के बाद इटर्नल ही ऐसी मूवी थी जो इतनी बड़ी टीम होल्ड करती थी और हम लोग के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ाती थी कि इस मूवी में कितना बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि मूवी की स्टार कास्टिंग के दिन हम फैंस को बहुत ज्यादा सरप्राइज करके रख दिया था कि हम लोग इतने सारे इटर्नल्स को देखेंगे। एज अ फैन ऑफ मार्वल मुझे लगा कि ये मूवी एवेंजर वाली फील देगी, बट एवेंजर तो छोड़ो, ये जस्टिस लीग जैसी फील नहीं दे पाई। इस मूवी का थीम, टोन और स्टोरी ठीक था, बट तब भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। सबसे बड़ी बात, इस मूवी को इसका टाइम ही खा गया। एज अ ऑडियंस हम लोग कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाए। इक्रिस मर रहा है तो मरने दो, गिलगमेश मर रहा है तो मरने दो, और उनकी हेड का क्या नाम था उसका? मर रही थी, मरने दो। इस मूवी को दो पार्ट में कर सकते थे कि पहले पार्ट में इटर्नल्स को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस कराते ये लोग कि डीवियंट से इन लोग ने इंसानों को कैसे बचाया। सेकंड पार्ट में ये लोग जो अर्थ सेविंग वाला इन लोग ने काम कराया, इसी मूवी को दो पार्ट में रिलीज करी जाती है एज अ मूवी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इन लोग को एवेंजर्स वगैरह के या एंड गेम के कुछ सीन इंक्लूड करने चाहिए थे जिसे हम फैन भी नॉस्टैल्जिक जी पाए, लेकिन नहीं, हमें तो सुपरमैन करना है। और ऊपर से डीवियंट का किंग इतना वीक कि थीना के दो चाकू से दो हिस्से में बट गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे व्हाट इफ की सीरीज में विजन ने थानोस का कर दिया। कोई इज्जत ही नहीं है। इस मूवी को देखने के बाद ये मूवी मेरे को बिल्कुल भी मार्वल की नहीं लगी कि मार्वल का जैसा कॉमेडी होती है, मार्वल का जैसा एक्शन होता है, मार्वल का जैसा VFX होता है, वो सब कुछ मिसिंग था इस मूवी से, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इटर्नल्स हम लोग को ये चीज दे। लास्ट वाला एक्शन सीन बहुत अच्छा था। 3 घंटे की मूवी हम एज अ ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पाए इटर्नल्स से, क्योंकि इटर्नल्स में एक भी पास्ट का कोई भी सीन इन्वॉल्व ही नहीं था। बस वो लोग एवेंजर्स, ये वो, थानोस, इन सब का नाम ले रहे थे, बस भाई उससे कोई फील नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा साफ साफ दिख रहा था कि ये दूसरे ही लेवल पे स्टोरी लाइन अपनी सेट कर रहे हैं। अगर तुम मार्वल में इंक्लूड हो, तुम उसी यूनिवर्स में हो, तो यार उनका कुछ तो सीन दिखाना चाहिए था, किसी भी एक्टर का कैमियो ही दिखा देते। इसीलिए मूवी बहुत ज्यादा डिफरेंट हुई, क्योंकि बाकी सारी मार्वल्स की मूवी इंटरकनेक्टेड रहती हैं। पहली ही मूवी में इन लोगों ने अपने 3 सुपर हीरो को मार दिया और एक तो ह्यूमन बन गया। क्या चल रहा है ये? बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को वीडियो देख के मजा आए। अगर मजा आई तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।